हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय राजेंद्र शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज। ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो हमने सॉल्ट ब्रिज काम में लिया है वो किस तरह से वर्क करता है। देखिए, अब तक हमने पढ़ लिया था कि जब आप दोनों ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल दोनों को आपस में कंडक्टिंग वायर से और इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे पास जो एनोड है वो इलेक्ट्रोड धीरे धीरे इट विल गेट थिन, वो पतला होने लगता है, क्योंकि उसका जो जिंक है वो जिंक आयन जो है वो सॉल्यूशन में डिजोल्व होने लगता है। जबकि जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे मोटा होने लगता है, क्योंकि हमारे पास में जो सॉल्यूशन के अंदर Cu2+ आयन है वो इसके ऊपर डिपोजिट होने लगते हैं। एक्चुअली में ये रिएक्शन चलती रहती है। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं हो तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल में धीरे धीरे Zn2+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगती है। ओके? और इसी तरह से सिमिलरली आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास रिडक्शन हाफ सेल है जहां पर Cu2+ आयंस जो है वो धीरे धीरे इस कैथोड के ऊपर डिपोजिट होते जा रहे हैं, तो नेचुरल है कि धीरे धीरे Cu2+ की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और SO4-2- की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। तो जब सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, ठीक है, और यहाँ पर Zn2+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो इस पर नेचुरल कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। अब इफेक्ट क्या पड़ेगा, लेट्स सी, देखते हैं। Zn2+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो एनोड है वो नेगेटिवली चार्ज है, और इस सॉल्यूशन में Zn2+ आयन, दैट मींस पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो ये जो पॉजिटिव आयन है ये धीरे धीरे अपने आप को इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर एक्यूमुलेट कर लेते हैं, और ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस दिस इलेक्ट्रोड गेट न्यूट्रल। तो ये इलेक्ट्रोड जो है वो धीरे धीरे न्यूट्रल हो जाता है। इसी तरह से यहां हम देखें कि ये इलेक्ट्रोड हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है, और मैंने कहा कि यहाँ सल्फेट आयन, दैट मीन्स जो नेगेटिव आयन है उनकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो इनकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज होने से ये नेगेटिव आयन धीरे धीरे इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इसके चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। अब आपको पता होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि यहां दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के अंदर डिफरेंस है, और ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब जब हम कह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है यहां पर न्यूट्रल हो गया है और यहां पर भी ये जीरो हो गया है, अब इनका अगर पोटेंशियल जीरो हो गया है तो नेचुरल है कि ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना बंद करेंगे, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो है। जब तक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और जब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस खत्म हो जाएगा या जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो यहां पर भी यही होता है कि ये न्यूट्रल हो गया, ये भी न्यूट्रल हो गया, दैट मीन्स अब यहां पर इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो जीरो है। Now there will be no flow of electron from zinc to copper. अब हम ये चाह रहे हैं कि ये सिचुएशन नहीं है। To prevent this situation, we use salt bridge. इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए, इस सिचुएशन को रोकने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। अब सॉल्ट ब्रिज करता क्या है, आप देखिए, ये जो हमने इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब ली है, यू शेप्ड इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब, इसे हम सॉल्ट ब्रिज कह रहे हैं, और इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर हमने KCl और KNO3 इनको फिल किया हुआ है, साथ में हमने इनके एक जेलेटिन को मिक्स किया है ताकि इनका पेस्ट बनाया जा सके और इसमें फिल किया जा सके। तो पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट को आप किसी जेलेटिन में मिक्स करके और इसके अंदर पेस्ट की फॉर्म में इसको फिल कर देते हैं, और इनके जो दोनों टर्मिनल पॉइंट है यहाँ पर आप या तो कॉटन वूल या ग्लास वूल से इसको यहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन कॉटन वूल या ग्लास वूल इसलिए लगाते हैं कि इसमें छोटे छोटे पोर्स रहे ताकि उन पोर्स की हेल्प से ये जो हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस है वो सॉल्यूशन के अंदर एक्सचेंज हो सके। तो ये जो हमारे पास में इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब है इसे हम सॉल्ट ब्रिज कह रहे हैं, और इसको हमने दोनों सॉल्यूशन से कनेक्ट कर दिया है। नाउ व्हाट हैपेंस कि जब आप इसको इसमें कनेक्ट करते हैं तो आप यहां देखते हैं कि यहां पर जैसे ही Zn2+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगती है, जैसे ही Zn2+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगती है तो अपोजिट आयन विच आर प्रेजेंट इन सॉल्ट ब्रिज
दे कम इन टू द सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशन में आते हैं। जैसे यहाँ पर अपोजिट आयन कौन हो सकता है, कि यहाँ पर केसीएल को अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि इसमें केसीएल फिल किया हुआ है हमने, तो सीएल माइनस आयन्स जो है वो मूव करेंगे सॉल्ट ब्रिज से सॉल्यूशन की तरफ और जेड एन टू प्लस को न्यूट्रल कर देंगे। अब जब जेड एन टू प्लस न्यूट्रल हो गया है तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव आयन्स जो है अब इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आकर के अक्यूमुलेट नहीं होंगे। सिमिलरली जैसा हमने कहा था कि यहाँ नेगेटिव चार्ज आयन जो है अक्यूमुलेट हो रहे थे जो इसे न्यूट्रल कर रहे थे, अब हमने क्या किया कि यहाँ पर जब सॉल्ट ब्रिज लगा गया है तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो के प्लस आयन्स है, ये जो के प्लस आयन्स है ये इस सॉल्ट ब्रिज से होते हुए सॉल्यूशन के अंदर एंटर करेंगे, और सॉल्यूशन में एंटर करने के बाद में जो ये सल्फेट आयन है, क्योंकि के प्लस आयन पॉजिटिव है और सल्फेट आयन नेगेटिव है, तो ये इसे क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, और इसे न्यूट्रल करने के बाद नेचुरल है कि सल्फेट आयन यहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज प्रिवेंट द आयंस टू एक्यूमुलेट ऑन अपोजिट इलेक्ट्रॉड्स, यानी आयंस को अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉड पर एक्यूमुलेट होने से रोकता है। ठीक है, दूसरा इसका फंक्शन हम देख सकते हैं कि देखिए जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता तब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हैं कि आउटर सर्किट जो है ये एक कंडक्टिंग वायर है जिसके थ्रू यहाँ पर इसको हमने कंप्लीट किया है और इस कंडक्टिंग वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, लेकिन जो इनर सर्किट है तो इनर सर्किट को कंप्लीट कौन कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पर जो चार्ज का फ्लो है वो किसके थ्रू हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ आयंस, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास में सॉल्ट ब्रिज है ये यहाँ पर पहला काम तो क्या कर रहा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है, यहाँ पर न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है और जो इनर सर्किट है उसको कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, और अपोजिट चार्ज आयंस जो है उन्हें इलेक्ट्रॉड्स के ऊपर एक्यूमुलेट होने से रोक रहा है ताकि जो रिएक्शंस इसके अंदर चल रही हैं वो कंटिन्यू चलती रहें और जिंक से इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर की तरफ होता रहे। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो कुछ टाइम के बाद में इसके अंदर जो सेल रिएक्शन है वो रुक जाएगी और दोनों इलेक्ट्रोड जो है इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा और देयर विल बी नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट, तो यहाँ पर इसलिए हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसमें सॉल्ट ब्रिज का यूज क्यों किया है, इसका क्या फंक्शन है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और अगर जरूरी हो तो इस पर कमेंट करें। थैंक्स फॉर टुडे।